नमस्कार, आप हैं आईबीएन 7 के साथ। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का, आइए शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट न्यूज। आरक्षण की मांग को लेकर अड़े पाटीदार यानी पटेल समुदाय आज अहमदाबाद में एक बड़ी रैली करने जा रहा है। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा। रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसकी अगुवाई हार्दिक पटेल करेंगे। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में होने वाली रैली में करीब 20 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। रैली को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और लोगों का वहां पर जुटना शुरू हो गया है। रैली के नेता हार्दिक पटेल ने आज अहमदाबाद बंद होने का ऐलान किया है। पाटीदार समुदाय की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने साफ कहा है कि पटेल समुदाय को आरक्षण देना सरदार पटेल का अपमान होगा। और ये आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे अहमदाबाद से, जहां पे जीएमडीसी ग्राउंड पर आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। आज की इस बड़ी रैली को कामयाब बनाने के लिए बताया जा रहा है कि 20 लाख तक लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है हार्दिक पटेल इस रैली की अगुवाई करेंगे। अहमदाबाद में आज होने वाली रैली की वजह से गुजरात पुलिस के माथे पर बल पड़े हुए हैं। अहमदाबाद पुलिस के लिए ये पहला मौका होगा जब इतनी तादाद में इकट्ठा लोगों के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती होगी। प्रशासन ने 20 से ज्यादा एसपी, 62 डिप्टी एसपी, 250 पुलिस इंस्पेक्टर, 500 पुलिस सब इंस्पेक्टर तैनात किए हैं। इसके अलावा 1600 पुलिस कांस्टेबल, एसआरपी की 28 कंपनियां, चेतक कमांडो की 2 कंपनियां यानी तकरीबन 150 कमांडो तैनात रहेंगे। यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त की मैं अगर बात करूँ तो जो भी रास्ते हैं जीएमडीसी के ग्राउंड के और वो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और अहमदाबाद सीपी इसकी निगरानी रख रहे हैं। चेतक कमांडो से लेके सारे फोर्सेस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज मैदान पर होंगे इसके बंदोबस्त के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि अहमदाबाद में जो रथ यात्रा होती है उसके बाद के सबसे बड़ी इवेंट के तौर पे इसको देखा जा रहा है और जिसको लेकर पुलिस किसी भी तरीके का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती। जो भी असामाजिक तत्व थे वो तकरीबन 1700 लोग ऐसे थे जिनको डिटेन करके पुलिस ने रख लिया है। अब हरियाणा में आरक्षण की आग लगने लगी है, लेकिन जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी के दो नेता आमने सामने आ गए हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा है कि ओबीसी कोटे से जाटों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर जाटों ने आरक्षण को लेकर दबाव बनाया तो गैर जाट समुदाय इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जाटों के आरक्षण देने की वकालत कर रहे हैं। रोहतक की एक सभा में बालियान ने कहा कि आरक्षण जाटों का हक है और वो उन्हें मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय मिला है। ये मुलाकात दोपहर 12 बजे होगी। इस मुलाकात में वो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रिश्तों के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मुलाकात में एलजी के साथ तकनीकिस्तान, बस डिपो, स्कूलों के लिए रियायती दर पर भूमि की खरीद और दिल्ली के हालात पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी केजरीवाल ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उस समय उन्हें पीएम से मिलने का मौका नहीं मिल पाया था। अरविंद केजरीवाल के जन्मदिन पर जब पीएम ने शुभकामनाएं दी थी तब केजरीवाल से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। मुलायम सिंह को सम्मान करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गोयल के मकान मालिक सुनील कुमार अग्रवाल को समाजवादी पार्टी के नेता भागीरथ यादव की तरफ से धमकी दी गई है। मकान मालिक सुनील कुमार अग्रवाल को समाजवादी पार्टी के नेता भागीरथ यादव ने मकान खाली करवाने को धमकाया। भागीरथ यादव बोल रहा हूँ जी, बताइए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, जय कमल। हेलो। अरे जज कहाँ है? जज घर में है। हाँ, कल खाली करवा देना। ठीक है, ठीक ठीक। मकान मालिक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित जानकारी देकर बताया कि मकान खाली नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा है। मुलायम सिंह यादव के बलात्कार वाले बयान का स्वतः संज्ञान लेकर अंकित गोयल ने मुलायम के खिलाफ समन किया था, हालांकि बाद में जिला न्यायाधीश ने इस पर स्टे कर दिया। महंगाई क्या बढ़ी कि बीजेपी मंत्रियों की मुसीबत बढ़ गई। अब तो वो अच्छे दिन आने के नारे से भी मुकरने लगे हैं। इंदौर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने कभी भी अच्छे दिन की बात नहीं कही थी, वो तो एक नारा था जो पार्टी ने नहीं बल्कि आम जनता ने दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए ये नारा आम लोगों ने दिया कि अच्छे दिन आएंगे और राहुल नानी के घर जाएंगे, जबकि ये बात सच नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कैंपेन का प्रमुख नारा था और जब बीजेपी को जीत मिली तो वडोदरा की रैली में पीएम मोदी ने नारा लगाया था, अच्छे दिन आएंगे। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में ज्यादा झगड़ा ना बढ़े, इसे लेकर बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने एलजेपी नेता चिराग पासवान से मुलाकात की। उसके बाद दोनों नेताओं ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है, लेकिन एनडीए में इसे लेकर कोई झगड़ा नहीं है।
इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी से सीट समझौते पर स्थिति जल्द साफ करने की मांग की है। साथ ही दोनों पार्टियों ने बीजेपी को सीटों का बंटवारा एक हफ्ते के अंदर करने के लिए कहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को 67 और एलजेपी को 74 सीटें देने की वकालत की है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बगावती सुर बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने फिर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बिहार के सीएम पद के लिए सही उम्मीदवार बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। अगर उनमें सहमति नहीं बनती है तो रामविलास पासवान इसके लिए सही उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये फैसला बीजेपी हाईकमान पर ही निर्भर करता है। ये उनकी व्यक्तिगत राय है कि रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बने। सोमवार की भारी गिरावट के बाद आज सबकी नजर शेयर बाजार पर रहेगी। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का रुख जारी है। चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर निवेशकों की चिंता के बीच अमेरिकी शेयर बाजार खुलते ही लुढ़क गया। सोमवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ। बाजार में भारी गिरावट की वजह से निवेशकों के 7 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाहा हो गए और हाल के दिनों में पहली बार बाजार की पूंजी 100 लाख करोड़ से नीचे पहुंच गई। ये शेयर बाजार के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट साबित हुई है। वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के जोर लगाने के बावजूद बाजार ने गोता लगाया और सेंसेक्स और निफ्टी करीब 6% गिरावट के साथ बंद हुए। राधे मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली डॉली बिंद्रा सोमवार देर रात अपना बयान दर्ज कराने मुंबई के बोरीवली पुलिस थाने पहुंची। बयान दर्ज कराकर जैसे ही वो बोरीवली पुलिस थाने के बाहर आई तो पत्रकारों से बात करने लगी। उसी समय डॉली को धमकी का फोन आया, जिसके बाद एक बार फिर वो थाने के अंदर गई और शिकायत की। जिस नंबर से डॉली को फोन आया, पुलिस उसका पता लगाने में जुट गई है। सीतामढ़ी की एक अदालत में सोमवार को राधेमा के खिलाफ एक वकील ने केस दायर किया है। वकील चंदन कुमार ठाकुर ने राधेमा पर धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही राधेमा पर अधिवक्ता ने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी राधेमा के खिलाफ मुंबई समेत कई शहरों में मामले दर्ज हो चुके हैं। परीक्षा घोटाले के लिए बदनाम हो चुका व्यापम के दफ्तर का पुराना फर्नीचर अभी भी नोट उगल रहा है। सोमवार को भोपाल में व्यापम कार्यालय के एक पुरानी टेबल की दराज से 11,90,000 रुपए मिले। ये टेबल व्यापम के पूर्व सिस्टम एनालिस्ट सीके मिश्रा का है, जो फिलहाल जेल में है। पुलिस ने पैसों की थैली जब्त कर ली है। इसके अलावा ड्रॉज में कुछ कागज और मामले में आरोपी नितिन महिंद्रा के नाम का 75,000 रुपए का चेक भी मिला है। बताया जा रहा है कि पुराने टेबल की मरम्मत के दौरान बढ़ई को ये पैसे मिले। पैसे मिलने की खबर फैलते ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापम के अध्यक्ष अनुज शर्मा की कार को घेरा और व्यापम के दफ्तर के सामने जमकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाए। रविवार को दिल्ली मेट्रो में नशे में धुत हंगामा करने वाले पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर बीएस बस्ती के मुताबिक हंगामा करने वाले पुलिस वाले की पहचान कर ली गई है। बस्ती के मुताबिक जो भी पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल रविवार को नशे में चूर पुलिस वाला मेट्रो में चढ़ गया, लेकिन खुद को एक जगह संभाल नहीं पा रहा था। यही नहीं, पुलिस वाला मेट्रो के दरवाजे को ही खुलने का आदेश देने लगा। यात्रा कर रहे एक यात्री ने ही पुलिस की इस हरकत का पूरा वीडियो बनाकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट किया। छेड़छाड़ का विरोध करने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा जसलीन कौर की फेसबुक मुहिम रंग लाई। दिल्ली पुलिस ने आरोपी सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया है। सरबजीत की तस्वीर फेसबुक पर डालने के बाद जसलीन ने लोगों से अपील की थी कि इस तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सरेआम छेड़खानी करने वाले इस शख्स को सजा दिलाई जा सके। जसलीन के मुताबिक रविवार रात तिलक नगर इलाके में एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जसलीन का आरोप है कि न सिर्फ इस शख्स ने उसके ऊपर भद्दे कमेंट किए, बल्कि फोटो खींचे जाने और शिकायत करने पर उसे धमकी भी दी। फेसबुक पर फोटो डालने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस इस बहादुर लड़की को 5,000 रुपए का इनाम भी देगी। छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार सरबजीत की सोमवार रात काउंसलिंग कराई गई। वारदात की रात ढील बरतने वाली पुलिस सोमवार को थाने में कई धर्मगुरुओं से रात 11 बजे तक काउंसलिंग कराती रही। जिस वक्त सरबजीत की काउंसलिंग कराई जा रही थी, वो चेहरे को सफेद कपड़ों से ढके हुआ था। उसके बगल में माता पिता बैठे हुए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के गुरुओं ने काफी देर तक आरोपी सरबजीत को मानवता और स्त्रियों के प्रति शिक्षा भाव का पाठ पढ़ाया, लेकिन देर रात तक आरोपी को थाने से बेल नहीं मिल पाई थी। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन शिष्टाचार के तहत किया गया। सरबजीत के अलावा पकड़े गए करीब 19 मनचलों की क्लास ली गई। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र शुभम की हत्या का आरोप उसी के साथियों पर लगा है। शुभम जिंदल मॉनिटर था और टीचर के कहने पर उसने शैतानी करने वाले बच्चों के नाम सौंपे थे। आरोप है कि इसके बाद टीचर ने बच्चों की पिटाई की। नाराज छात्र शुभम को रविवार शाम पिज्जा पार्टी के बहाने बाहर ले गए। इसके बाद शुभम लौट कर नहीं आया और रात को पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है।
प्याज की बढ़ती कीमत पर घमासान मचा हुआ है। वही खाद्य मंत्री रामविलास पासवान का दावा है कि एक महीने में प्याज के दाम पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जमाखोरों पर लगाम लगाने के लिए चिट्ठी भी लिखी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज के दाम जल्द ही कम होंगे। साथ ही सरकार ने नेफेड पर चिट्ठियों की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल नेफेड ने कहा था कि जब प्याज सस्ती थी तब हमने दिल्ली सरकार को खरीदने के लिए चिट्ठी लिखी थी। प्याज की बड़ी कीमतों ने महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस पर महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्याज की जमाखोरी को रोकने के लिए चर्चा की जाएगी। सोमवार को एनसीपी ने इस मुद्दे को भुनाते हुए महाराष्ट्र सरकार का विरोध किया और प्याज के बूके बनाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को देने पहुंच गए। उधर नासिक मंडी में प्याज की कीमतों में आई उछाल के बाद खुदरा बाजार में प्याज के दाम बढ़ गए हैं। इटली के दो मरीन कमांडो को संयुक्त राष्ट्र की ट्रिब्यूनल ने राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि अंतिम फैसला आने तक भारत और इटली आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल इटली ने संयुक्त राष्ट्र में अपील करते हुए मांग की थी कि आरोपियों के खिलाफ भारत में चल रहे मुकदमे को खत्म किया जाए। तर्क दिया था कि जहाज इटली का था, इसलिए कानूनी कार्रवाई का अधिकार इटली के पास है। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इटली को अंतरिम राहत दी है। एफटीआईआई के छात्रों और डायरेक्टर से बात करने के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय की टीम आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कुछ दिन पहले ये टीम पुणे गई थी, जहां उन्होंने एफटीआईआई संस्थान में हो रही सारी गतिविधियों को देखा। इसके अलावा हड़ताली छात्रों, फैकल्टी मेंबर और संस्थान के डायरेक्टर से भी बात की। पिछले कुछ महीनों से एफटीआईआई संस्थान में नए चेयरमैन गजेंद्र चौहान को हटाने को लेकर हड़ताल जारी है। माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी पर फिल्म आने के बाद उनकी देश भर में चर्चा हो रही है। लेकिन एक माउंटेन मैन राजस्थान में भी है जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। जोधपुर के प्रेम सुखदास ने मां की तकलीफ दूर करने के लिए छैनी, हथौड़े और उससे भी ज्यादा अपने हौसले से पहाड़ तोड़ा। जोधपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर नांदिया कला में रहने वाले प्रेम सुखदास ने अपनी मां की तकलीफ दूर करने के लिए पहाड़ काटा। साल 2007 से 2009 तक प्रेम सुख ने खुदाई की और बांध बनाया, लेकिन पहली ही बारिश में पानी के बहाव में बांध की दीवार ढह गई। फिर भी उनका हौसला नहीं टूटा। इस बार 60 फीट की पहले से ज्यादा मजबूत दीवार बनाई और वहां पानी को रोकने में कामयाब हो गए। इन्हें यहां लोग नाम से कम बल्कि माउंटेन मैन और संत कहकर ज्यादा पुकारते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है। शहर में निकली कांवड़ यात्रा में मुस्लिम महिलाएं शामिल हुईं। जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तब ऐसा लग रहा था कि मानो गंगा जमुना मिलन हो रहा हो। मुस्लिम महिलाएं काफी खुश और काफी उत्साहित दिख रही थी। मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हम सभी एक हैं और इस तरह के आयोजन हमें एकता के सूत्र में बांधते हैं। इस कांवड़ यात्रा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी शिरकत की। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता रद्द होने पर अमेरिका ने चुप्पी तोड़ी। अमेरिका ने साफ कहा कि कश्मीर को उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं है। पहले की तरह अमेरिका चाहता है कि इस मसले को दोनों देश आपस में मिलकर हल निकालें। सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग इस महीने के अंत तक खत्म हो जाएगी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट कर लिया गया है और ये बॉलीवुड का सबसे लंबा क्लाइमैक्स होगा। इसकी शूटिंग एक शीश महल में की गई है जो खास इस फिल्म के लिए बनाया गया था। गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा सायरा बानो के 71वें जन्मदिन पर रविवार को मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने उन्हें हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं दी। बिग बी ने ट्विटर पर सायरा को बधाई दी। अमिताभ ने सायरा के साथ फिल्म जमीर और हेरा फेरी जैसी फिल्में की हैं। शाहरुख ने दिलवाले की शूटिंग खत्म होने पर फिल्म के निर्देशक रोहित शेट्टी को एक गाड़ी गिफ्ट की। शाहरुख ने रोहित को एक रेंज रोवर गिफ्ट की है। हाल ही में रोहित इस गाड़ी में घूमते नजर आए। कोलंबो टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 278 रन से हरा दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका टीम 134 रन पर ही ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में एक एक से बराबर हो चुकी है ये सीरीज। भारतीय फिरकी गेंदबाज आर अश्विन ने रिकॉर्ड बना दिया। अश्विन ने सीरीज के दो टेस्ट मैचों में अब तक 17 विकेट झटके, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज का श्रीलंका दौरे पर सबसे ज्यादा विकेट है। कोलंबो टेस्ट के बाद कुमार संगकारा के सम्मान में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने जर्सी दी, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से मैसेज लिखा हुआ था और सारे खिलाड़ियों के हस्ताक्षर थे। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज से सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और रिद्धिमान साहा चोटिल होने के कारण बाहर हो गए हैं। साहा की जगह नमन ओझा और करुण नायर को टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने दिसंबर में भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज नहीं होने की संभावना जताई। शहरयार खान ने इसके पीछे दोनों देशों के बीच सुरक्षा मुद्दा बताया।
प्रो कबड्डी लीग सीजन 2 के खिताब पर यू मुंबा ने कब्जा कर लिया है। मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में यू मुंबा ने बेंगलुरु बुल्स को पटकनी दी।